Very good morning to all of you. Today I welcome you all on the MCIT digital platform. Previous class में हम discussion कर रहे थे Chordata में Varanus जो कि एक reptile है, right? एक model organism है reptiles का, उसके बारे में हम उसकी skeleton system की study कर रहे थे. Firstly हमने axial skeleton को देखा था and जो भी जितना भी skeleton system है वो osteology के under आता है. Osteology means होता है bone, logy means study, right? That means अगर हम bones की study कर रहे हैं वहाँ हम osteology के under पढ़ते हैं सबके skeleton systems. और सबसे easiest way होता है skeleton system को study करने का कि जैसे हमारे पास 5 model organisms हैं अलग अलग class के, then हम उन सब का एक एक सिस्टम या एक एक बोन को एक साथ कंपैरेटिव वे में स्टडी करें, राइट? सो सबसे बेस्ट एंड इजीएस्ट वे होता. नाउ हम वैरेनस के स्केलेटन सिस्टम में एक्सियल स्केलेटन पढ़ रहे थे. एक्सियल स्केलेटन यानी कि जो एक्सस का स्केलेटन होता है, जो एक्सस मेन एक्सस फॉर्म करता है जिस पे पूरी बॉडी वर्क करती है, फंक्शन करती है, राइट? एंड उसमें भी हम वर्टिब्रल कॉलम की बात कर रहे थे. वर्टिब्रल कॉलम की हम डिफरेंट वर्टिब्रा को स्टडी कर रहे थे एंड फर्स्ट सेक्रल वर्टिब्रा यानी कि हम सेरेब्रल नेक रीजन वाली जो होती है सर्वाइकल वर्टिब्रा को हम स्टडी कर चुके थे. इसके बाद नीचे आके हमने स्टडी किया था थोरैको लंबर को. सर्वाइकल में हमने 3 टाइप्स के पढ़े थे, एटलस, एक्सस एंड टिपिकल सर्वाइकल, राइट? ऐसे ही थोरैको लंबर जो है वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, थोरेसिक एंड लंबर, राइट? देन थर्ड आती है सेक्रल एंड लास्ट आती है कॉडल. इनकी स्केलेटन फॉर्मूला जो होता है वो भी अपन ने स्टडी किया था, 8 2 2 एंड ये 51 2 53 थी. सर्वाइकल जो नेक रीजन वाली हैं वो ज़्यादा थी, 8 थी, और इनमें भी हमने 3 टाइप्स की स्टडी की. हम फर्स्ट सेक्रल को स्टडी कर चुके थे. फर्स्ट सेक्रल जो थी उसके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे थे. देख लेते हैं, फर्स्ट सेक्रल के बाद आती है सेकंड सेक्रल. यानी कि फर्स्ट सेक्रल के नीचे जो प्रेजेंट होगी उसे हम नेमिंग देंगे सेकंड सेक्रल. इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं. जब भी हम बात करेंगे सेक्रल बोन्स की, यानी कि हम बोल रहे हैं कि वहाँ पर सेक्रम प्रेजेंट है, राइट? एंड सेक्रल बोन्स मोस्ट प्रोबेबली एब्डोमिनल रीजन में प्रेजेंट होती है. तो जब हम इस टाइप के स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि ये जो रीजन है ये तो है प्री जाइगैपोफाइसिस, यानी कि आगे की तरफ निकला हुआ है. ये जो रीजन है ये है यहाँ पर पोस्ट जाइगैपोफाइसिस, राइट? यहाँ पे क्या होगा, एक कॉन्केविटी होगी जिससे कि फर्स्ट सेक्रल का जो सेंट्रम पार्ट होगा वो यहाँ पर आकर अटैच हो सके, राइट? और फर्स्ट सेक्रल में हमने क्या देखा था कि इस तरह से यहाँ पर कर्व्स प्रेजेंट थे जो कि ईलियम के अटैचमेंट के लिए थे, राइट? ईलियम यहाँ पर आकर इजीली अटैच हो सकती थी. सेकंड सेक्रम में हमें एज सच स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है, सेंट्रम ज़रूर दिख रही है जो सेंट्रल में प्रेजेंट होती है रीजन में. ये जो 2 पंख नुमा आकृति हमें दिखती है ये क्या होती हैं, ट्रांसवर्स प्रोसेस होते हैं, यानी कि ये कुछ प्रवर्ध हैं जो कि ट्रांसवर्स डायरेक्शन में निकल रहे हैं, इसलिए हमने इन्हें नाम दिया है ट्रांसवर्स प्रोसेस. इफ़ ये किसी और डायरेक्शन में जा रहे होते तो हम इन्हें उसके अकॉर्डिंगली लॉन्गिट्यूडनल प्रोसेस या कुछ भी
कह सकते हैं, डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली इनको नेमिंग मिली है। सेंट्रम बीच में प्रेजेंट होगी, प्री जगेपोफाइसिस पोस्ट जगेपोफाइसिस प्रेजेंट होंगे, बीच वाले रीजन में न्यूरल कैविटी या न्यूरल कैनाल प्रेजेंट होगी, राइट। और इसी के साथ हम बात करते हैं तो पोस्ट जाइगोपोफाइसिस इतने डेवलप्ड यहाँ पर नहीं दिखेंगे। ट्रांसवर्स प्रोसेस बिल्कुल फ्लैट स्ट्रक्चर जैसे होंगे, यहाँ पे थोड़े से ब्रॉड होंगे, चौड़े होंगे, मोटे होंगे, थिक होंगे और एंड में जाते जाते बिल्कुल थिन हो जाएंगे, बिल्कुल पॉइंटेड टाइप के हो जाएंगे। सो इस टाइप का स्ट्रक्चर अगर हमें देखने को मिलता है तो ये सेकेंड सेक्रल बोन है। किसकी है? एक्सियल स्केलेटन की, राइट। एक्सियल स्केलेटन में भी वर्टीब्रल कॉलम की, राइट। सो इस टाइप से ये बोन प्रेजेंट रही। दूसरी चीज यहां पर आते आते हाइपोफाइसिस जो रीजन होता है, ये हाइपोफाइसिस रीजन कंप्लीटली यहां पर आते आते एब्सेंट हो जाता है, यानी कि इस रीजन का यहां पर प्रेजेंस नहीं है। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं कॉडल रीजन की, यानी कि कॉडल वर्टिब्रा की। कॉडल वर्टिब्रा को भी हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एंटीरियर कॉडल एंड पोस्टीरियर कॉडल, राइट। तो बात करते हैं एंटीरियर अग्र कॉडल की, यानी कि बोल सकते हैं अग्र पुच्छ कशेरुक, राइट। क्योंकि पूंछ वाले भाग में यानी कि टेल रीजन में ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और नंबर हमने बताया इनका 51 से 53 नंबर में ये प्रेजेंट होंगे। स्ट्रक्चर देखते हैं, समवॉट इस टाइप का स्ट्रक्चर इनमें ऑब्जर्व करने को हमें मिलता है, राइट। और इसी के साथ यहाँ वाले जो रीजन्स होते हैं उनमें भी कुछ स्ट्रक्चर्स हमें ऑब्जर्व होते हैं। सो इस टाइप का स्ट्रक्चर अगर हमें मिलता है तो इसे हम बोलेंगे एंटीरियर कॉडल, यानी कि आगे की तरफ जो कॉडल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इसको हम बोलेंगे एक तरह से स्पाइन की तरह प्रेजेंट है, तो न्यूरल स्पाइन, राइट। ये जो है ये प्री जगेपोफाइसिस है, ठीक। और इसी के साथ ये जो है ये ट्रांसवर्स प्रोसेसेस है जो कि यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे। अगेन ट्रांसवर्स डायरेक्शन में है इसलिए यहाँ से जुड़े हुए प्रवर्द को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स प्रोसेस या ट्रांसवर्स प्रवर्द। अब एक और इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर जो यहाँ पर हमें ऑब्जर्व होता है वो है यहाँ पर वाई शेप्ड शेवरॉन और शेवरॉन बोन, यानी कि यहाँ पर वाई शेप्ड शेवरॉन बोन भी प्रेजेंट रहेगी, इसलिए हम इसे कॉडल भाग या कॉडल रीजन कह रहे हैं, ठीक है। इसकी खासियत है वेरेनस की कॉडल वर्टिब्रा की कि यहाँ पर अटैचमेंट होगा शेवरॉन बोन का, जो कि कैसी शेप की होती है, वाई शेप्ड की होती है। वहीं हम पोस्टीरियर कॉडल की बात करते हैं, यानी कि जो पीछे वाले भाग में प्रेजेंट है कॉडल रीजन, कॉडल वर्टिब्रा, राइट।
कुछ इस टाइप से हमें स्ट्रक्चर ऑब्जर्व होता है, यानी कि ये तो न्यूरल स्पाइन रीजन हो गया, ये हो गया ट्रांसवर्स प्रोसेस, अगेन यहाँ पे एक शेवरॉन बोन प्रेजेंट होगी जो कि वाई शेप्ड होती है, राइट। ये हो गया प्री ज़िगेपोफाइसिस एंड ये रीजन जो होगा वो न्यूरल स्पाइन रीजन होगा। अब ये व्यू था कैसा वाला, लेटरल, और इस व्यू को हम डिफरेंट व्यू से देख रहे हैं, इसलिए इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिल रहा है, राइट। सो इस टाइप से हमारा एक्सियल स्केलेटन में वर्टिब्रल कॉलम पार्ट कंप्लीट होता है, यानी कि फोर टाइप्स की वर्टिब्रा प्रेजेंट हैं, सर्वाइकल एट होती हैं, थोरेकोलम्बर यानी कि दोनों यूनाइटेड है और टू होती हैं, सेक्रल यानी कि फर्स्ट एंड सेकेंड सेक्रल, कॉर्डल यानी कि एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कॉर्डल, और ये 51 to 53 इन नंबर होती, ठीक है। और हमने टोटल बोला था 82 या 81 से 85 के बीच में प्रेजेंट हो सकती हैं, ठीक है। ये पूरी टोटल वर्टिब्रा प्रेजेंट होती है। अब क्योंकि कॉर्डल हम बोलते कि इनकी जो टेल होती है वो बहुत लॉन्ग होती है, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि कॉर्डल का नंबर बहुत ज़्यादा है, राइट। क्योंकि हमने वेरिनस का जब स्ट्रक्चर देखा था तो इनका टेल काफ़ी लॉन्ग होता है, काफ़ी बड़ी होती है, इस कारण से यहाँ पर ज़्यादा वर्टिब्रा प्रेजेंट है। ऑल राइट, नाउ बात करते हैं नेक्स्ट स्केलेटन सिस्टम में, अपेंडिकुलर स्केलेटन की, राइट। अब क्योंकि अपेंडिकुलर बोल रहे हैं, यानी कि वो डिफरेंट जो बॉडी पार्ट्स हैं उनसे प्रोड्यूस होंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे हमें चीज़ें बहुत इजीली समझ में आएंगी, राइट। अपेंडिक्यूलर स्केलेटन एक्सियल से ही निकलता है। इस स्केलेटन में हम टू टाइप्स के स्ट्रक्चर्स को देख सकते हैं इजीली, राइट। अगर हम फर्स्ट टाइप के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट टाइप के स्ट्रक्चर में हमारे आएगा गर्डल्स, राइट। गर्डल्स जो प्रेजेंट होती हैं वो आएंगी हमारे फर्स्ट टाइप के स्ट्रक्चर में। और जब हम सेकेंड टाइप के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सेकेंड टाइप के स्ट्रक्चर में आती हैं हमारी, क्या बोलते हैं हम उन्हें, बोन्स, यानी कि फोर लिम्स एंड हैंड लिम्स जो होंगी, जो लेग्स होंगे वो सारे इसके अंदर आएंगे। नाउ क्योंकि हम बोल रहे हैं कि गर्डल्स प्रेजेंट हैं तो गर्डल्स भी यहाँ पर टू टाइप्स की प्रेजेंट रहेंगी, राइट। गर्डल्स भी टू टाइप्स की यहाँ पर प्रेजेंट रहती हैं, वो हम देखेंगे कि किस तरह से डिफरेंट गर्डल्स यहाँ पर अरेंज्ड, राइट। इसके अलावा जब हम लिम्स की बात करते हैं तो लिम्स भी हमें डिफरेंट टाइप्स के देखने को इजीली मिल जाते, राइट। यानी कि एक नॉर्मल सी चीज़ अगर हम देखें तो हमें क्या ऑब्जर्व होगा कि अपेंडिकुलर स्केलेटन में गर्डल्स हैं प्लस लिम्स हैं। गर्डल्स दो टाइप की हैं, पेक्टोरल एंड पेल्विक। पेक्टोरल मीन्स कौन सी वाली गर्डल्स, जो कि हमारे जो थॉरेक्स रीजन है उसके आसपास प्रेजेंट रहेंगी, तो उन टाइप की गर्डल्स को हम पेक्टोरल गर्डल्स बोलेंगे। पेल्विक मीन्स जो कि नीचे हिप रीजन के अराउंड प्रेजेंट होंगी, एंड इन दोनों गर्डल्स के ही, मतलब ये दोनों गर्डल्स एज अ सपोर्ट सिस्टम वर्क करेंगी, और सपोर्ट सिस्टम की तरह वर्क कर कर इन लिम्स को अटैचमेंट देंगी, ताकि ये लिम्स इजीली यहाँ पर अटैच हो सके। तो सबसे पहले हम देखते हैं पेक्टोरल गर्डल को, जिसे हम हिंदी में अंश मेखला भी कहते हैं। जब स्ट्रक्चर देखते हैं इसका तो हमें
डिफरेंट थिंग्स ऑब्जर्व होंगी. लेट्स सी. क्या क्या ऑब्जर्व होता है. ठीक है. राइट. इस टाइप से स्ट्रक्चर दिखेगा. All right. Right? इन दिस वे पैक्टोरल गर्डल हमें ऑब्जर्व होगी. जब हम पैक्टोरल गर्डल को देखते हैं तो इसमें डिफरेंट रीजन्स के थ्रू और डिफरेंट पार्ट्स इस पे कनेक्टेड रहते. राइट. जब हम बात करेंगे पैक्टोरल गर्डल की तो इसमें एक तो रीजन होगा स्टर्नम. राइट. जो कि हमारे थोरेक्स पार्ट में प्रेजेंट रहता है. स्टर्नम के साथ दूसरे रीजन्स भी यहाँ पर यूनाइटेड रहेंगे. ठीक है. उनको हम देख लेंगे. सबसे पहली बात तो ये जो हमने रेक्टेंगुलर रोम्बॉइडल स्ट्रक्चर बनाया था वो स्टर्नम है जो कि यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट रहेगा. राइट. सो इस टाइप का स्ट्रक्चर स्टर्नम इसी से अटैच रहेगा और इसमें क्या होंगी डिफरेंट रिब्स यहाँ से निकलेंगी. तो स्टर्नम में क्या प्रेजेंट है डिफरेंट रिब्स है और एक रोम्बॉइडल स्ट्रक्चर है जो कि ऊपर की तरफ सपोर्ट की तरह संरचना उपस्थित है प्रेजेंट है. ठीक है. और इनसे रिब्स निकलेंगी. रिब्स थोरेसिक रिब्स होंगी. ठीक है. उनकी स्ट्रक्चर इस तरह से प्रेजेंट रहेगी एंड इस तरह से रिब्स का अरेंजमेंट हुआ. अब इस रिब्स के ऊपर दो रीजन और प्रेजेंट हैं जो कि हैं क्लेविकल एंड इंटरक्लेविकल. राइट. क्लेविकल एंड इंटरक्लेविकल रीजन्स इसके ऊपर प्रेजेंट होंगे. जब बात करते हैं तो ये रीजन जो त्रिशूल नुमा आकृति का है इसको हम कहते हैं क्लेविकल रीजन. राइट. एंड इसी से जो जुड़ा हुआ है उसको हम बोलते हैं इंटर क्लेविकल रीजन. सो ये दोनों रीजन्स यहाँ पर प्रेजेंट रहते. राइट. इस तरह से इनकी स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट है. नाउ अब हम बात करते हैं पैक्टोरल गर्डल के थर्ड पार्ट की, यानी कि ये वाला पार्ट क्या है सुप्रा स्कैप्यूला. पहली बात तो ये है कि क्लेविकल इंटरक्लेविकल और जितने भी पार्ट्स होंगे वो पेयर्स में प्रेजेंट हैं, यानी कि दोनों साइड प्रेजेंट हैं. ठीक है. तो ये सबसे बाहर की तरफ जो स्ट्रक्चर है इसको हम नेम देते हैं सुप्रा स्कैप्यूला. राइट. क्योंकि ये सबसे बाहर की तरफ प्रेजेंट है. नाउ सुप्रा स्कैप्यूला की बात करते हैं. पहली बात तो हमने बोली आउटर साइड पर
प्रेजेंट है. सेकेंड थिंग जो हमें देखने को मिलती है वो ये कि इसका स्ट्रक्चर थोड़ा विंग्स लाइक है, राइट. विंग लाइक स्ट्रक्चर में ये प्रेजेंट रहती है. एंड जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हम देखते हैं ये बिल्कुल फ्लैट स्ट्रक्चर है, बिल्कुल फ्लैट पतली सी स्ट्रक्चर नुमा आकृति यहाँ दिखेगी. तो इसे हम बोलेंगे सुप्रा स्कैपुला. सुप्रा स्कैपुला क्यों बोला है, क्योंकि इसके जस्ट अंदर की तरफ क्या प्रेजेंट है, स्कैपुला रीजन. तो स्कैपुला रीजन क्योंकि इसके अंदर प्रेजेंट है इसलिए इसको नाम दिया सुप्रा स्कैपुला. इसका अरेंजमेंट स्कैपुला के बाहर है. नाउ बात करते हैं सुप्रा स्कैपुला की, अंदर वाले रीजन की. स्कैपुला इसके अंदर ग्लीनॉइड कैविटी, ये जो हमें दिख रही है ये ग्लीनॉइड कैविटी होती है, ये यहाँ उपस्थित रहती है. ग्लीनॉइड कैविटी है तो यहाँ पर आके जो हैंड रीजन होता है उसका ह्यूमरस पार्ट होता है वो आकर जुड़ता है. तो हमने बोला एक ग्लीनॉइड कैविटी है, राइट. और इस कैविटी में ह्यूमरस आकर जुड़ेगा, यानी कि जो आगे वाला हैंड है, राइट. यानी कि हम बोल सकते हैं फोर लिम्ब जो है, अग्रपाद जो है, उसकी जो लॉन्गेस्ट बोन है वो आकर इस गर्डल से जुड़ती है. और कहाँ जुड़ती है, क्लिनॉइड कैविटी में जुड़ती, राइट. सो इस टाइप से हमें स्ट्रक्चर विजिबल. नाउ सेकेंडली इसके अंदर जो रीजन प्रेजेंट होगा उसी रीजन को हम बोलते हैं कोरेकॉइड, कोरेकॉइड रीजन. और इसमें फोरामेंस जैसे स्ट्रक्चर्स भी हमें विजिबल रहे, राइट. तो हम बोल सकते हैं सुप्रा स्कैपुला आउटसाइड पे है, ग्लीनॉइड कैविटी के साथ स्कैपुला अंदर है, और स्कैपुला के अंदर कोरेकॉइड है. यानी कि कोरेकॉइड और सुप्रा स्कैपुला के बीच में स्कैपुला प्रेजेंट है. नाउ कोरेकॉइड की बात करते हैं तो ये तीन रीजन्स में अगेन डिवाइडेड होता है, एक प्री कोरेकॉइड यानी कि जो आगे की तरफ प्रेजेंट है, दूसरा मीजो कोरेकॉइड, और थर्ड होता है, तीसरा होता है एपी कोरेकॉइड, राइट. इस तरह से थ्री रीजन्स में ये प्रेजेंट रहता है. प्रो कोरेकॉइड यहाँ प्रेजेंट होगा, राइट. प्रो रीजन है आगे की तरफ. मीजो मिड में सेंटर में प्रेजेंट होगा इसलिए हम इसको मीजो कोरेकॉइड नेमिंग देते हैं. और ये ऊपर की तरफ जो प्रेजेंट है इसको हम बोलते हैं एपी कोरेकॉइड. यानी कि एक चीज़ जो हमने देखी कि ये तीनों पार्ट्स कोरेकॉइड के ही हैं जो सेंटर से ही जा रहे हैं. सो इस तरह से पैक्टोरल गर्डल अपने आप को कंप्लीट करती है. नाउ पैक्टोरल गर्डल से ही हम बात करते हैं फोर लिम्स की, यानी कि आगे वाले जो लिम्स हैं वो किस तरह से प्रेजेंट रहते हैं, राइट. फोर लिम्स में हम सबसे पहले बात करते हैं, फोर लिम्स रीजन है तो इसमें होगा ह्यूमरस, राइट. रेडियस अल्ना, है ना. और लास्ट में फीट रीजन यानी कि हैंड फीट रीजन प्रेजेंट होगा. और रेडियस अल्ना एक ही बोन की तरह प्रेजेंट रही. देखते हैं स्ट्रक्चर सबसे पहले ह्यूमरस का. लॉन्ग बोन है, राइट. सिंगल बोन है. स्ट्रक्चर कैसे लॉन्ग बोन है. स्ट्रक्चर देखते हैं इसका. राइट. कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ पर ऑब्जर्व होता है, राइट. इस रीजन को हम नेमिंग देते हैं शाफ्ट, राइट. ये होता है यहाँ पर डेल्टॉइड रिज, यानी कि रिज लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है. ये यहाँ पर दो कॉन्डाइल्स टाइप प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं रेडियल एपिकोंडाइल, नीचे की तरफ प्रेजेंट है अल्नेयर एपिकोंडाइल,
यानी कि यहाँ पर अटैचमेंट्स के लिए डिफरेंट साइट्स होती हैं, राइट। ह्यूमरस की सबसे इम्पॉर्टेंट खासियत यही होती है कि इसमें डेल्टॉइड रिज जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट रहती है, राइट, और इन दिस वे ये अरेंज्ड भी रहती है। नाउ ये रीजन जो होगा इसे हम हेड रीजन कहते हैं क्योंकि सबसे टॉप पे प्रेजेंट है, राइट, और यही हेड रीजन जो होता है ये इस ग्लिनोइड कैविटी में आके फिट होता है, राइट, अटैच होता है दोनों साइड में, दोनों हैंड्स के ह्यूमरस जो होंगे वो अटैच हो जाएंगे। यहाँ पर हमें कुछ बाइकॉइड स्ट्रक्चर ऑब्जर्व होता है। एंड नाउ इस तरह से ह्यूमरस की बात करते हैं हम, तो एपिकोंडाइल्स भी नीचे प्रेजेंट रहते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट खासियत यही है कि डेल्टॉइड रिज इसमें प्रेजेंट। नाउ ह्यूमरस के बाद बात करते हैं रेडियस अल्ना की, राइट। ह्यूमरस के जस्ट नीचे प्रेजेंट होते हैं हमारे रेडियस अल्ना, राइट। दो छोटी बोन्स होती हैं उन्हें हम रेडियस अल्ना बोलते हैं, ठीक है, ये रेडियस, ये हमारी अल्ना। अल्ना जो है वो थोड़ी सी मोटी होती है, चौड़ी होती है, एंड अगेन ये दोनों एपिकोंडाइल के थ्रू यहाँ पर इस बोन से अटैच रहते हैं, राइट। तो इस तरह से रेडियस अल्ना प्रेजेंट है, अल्ना मोटी है, थिक है, रेडियस थोड़ी सी एज कंपेयर टू अल्ना थोड़ी सी पतली होगी। अब इसमें यहाँ पर हेड रीजन्स हैं जो कि यहाँ पर आकर अटैच होंगे, तो यहाँ पर कॉन्डाइल्स प्रेजेंट होंगे, राइट। अब बात करते हैं रेडियस अल्ना की, तो दोनों कंबाइंड बोन्स हैं, एक साथ प्रेजेंट हैं एंड मूवमेंट में हेल्प करती हैं। तो मेन फंक्शन की अगर हम बात करें तो इनका मूवमेंट में हेल्प है और दोनों एक साथ ही रहती हैं, अटैच्ड ही रहती हैं एक दूसरे से, राइट। दोनों का अटैचमेंट एक दूसरे से यहाँ पर प्रेजेंट है। नाउ आगे अगर बात करते हैं रेडियस अल्ना के बाद थर्ड रीजन आता है हैंड फीट, यानी कि हाथों की उंगलियां प्लस कलाई जो रीजन होता है, रिस्ट रीजन जो होता है वो इसके अंदर आएगा। अब हैंड फीट की बात कर रहे हैं तो हमने बोला कि हैंड फीट रीजन में रिस्ट भी आएगी और इसी के साथ फिंगर्स भी आएंगी, राइट, ये दोनों रीजन्स यहाँ पर आएंगे। बट रिस्ट रीजन को भी हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यानी कि कार्पल्स और मेटाकार्पल रीजन में, राइट, क्योंकि हैंड के हैं इसलिए हम इन्हें नेमिंग दे रहे हैं कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो हैं कार्पल्स और मेटाकार्पल्स यहाँ पर अरेंज्ड रहेंगे, इनका अरेंजमेंट हमें देखने को मिलेगा। जब कार्पल्स की बात करते हैं तो कार्पल्स यहाँ पर 5 अरेंज्ड रहते हैं, ठीक है, 3 ऊपर 2 नीचे, इस तरह से इनका अरेंजमेंट रहता है। वहीं मेटाकार्पल्स की बात करते हैं तो मेटाकार्पल्स भी 5 अरेंज्ड रहते, राइट, इनका भी अरेंजमेंट जब हम देखते हैं तो इनमें भी 5 अरेंजमेंट्स देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर अल्नेयर, अल्ना के नीचे अल्नेयर प्रेजेंट होगा, एक होगा रेडियस के नीचे रेडियल, ठीक है, नेमिंग दे रहे हैं हम इसे, बीच में प्रेजेंट है तो इसे हम बोलेंगे सेंट्रल, राइट, एक इंटरमीडियल भी प्रेजेंट होगा जो कि बीच के अंदर प्रेजेंट है, राइट, एंड इसी के साथ एक और स्ट्रक्चर जो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है वो भी यहाँ पर प्रेजेंट रहता है, राइट, और उसको हम पिस्सी फॉर्म कहते हैं, राइट, पिस्सी फॉर्म। तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है उसको हम नेमिंग दे रहे हैं
पीसी फॉर्म, राइट। और जब मेटाकार्पल्स की बात करते हैं तो मेटाकार्पल्स डिस्टल साइड में प्रेजेंट हैं, यानी कि दूर साइड में प्रेजेंट हैं, तो उन्हें हम डिस्टल मेटाकार्पल्स भी कहते हैं। और ऊपर की तरफ कार्पल्स प्रेजेंट होंगे। ये सिर्फ नेमिंग दिए हमने कि किस नेम के अकॉर्डिंग दिए प्रेजेंट हो सकते। नाउ इन्हीं से नीचे की तरफ जो फीट होते हैं, यानी कि जो फिंगर्स होती हैं, जो टोज होते हैं, वो अटैच्ड रहते हैं, राइट। अब देखते हैं स्ट्रक्चर फिंगर्स का। इनमें भी फिक्स्ड नंबर्स होते हैं और उन नंबर्स के अकॉर्डिंगली ही ये यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। राइट, सो इस तरह से फिंगर्स बोन्स प्रेजेंट होती है। यहाँ पर फैलेंजेस प्रेजेंट होते हैं, इन्हें नेमिंग देते हैं फैलेंजेस। और इस तरह से 5 फिंगर्स प्रेजेंट होती है। अब इन फिंगर्स की जब हम बात करते हैं तो इन फिंगर्स में एंड पॉइंट पर तो क्लॉ प्रेजेंट है, राइट। बिल्कुल नाखून जैसी स्ट्रक्चर, क्लॉ जैसी स्ट्रक्चर जिससे इजीली होल्ड कर सके वो किसी भी चीज़ को। नाउ ये तो हमने एंड रीजन की बात की, अब इन फिंगर्स में भी बोन्स प्रेजेंट होंगी। तो फर्स्ट में 2 बोन्स होंगी, सेकेंड में 3, थर्ड में 4, फोर्थ में 5 बोन्स और फिफ्थ में अगेन 3 बोन्स। तो इनका अरेंजमेंट जब हम लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं 2, 3, 4, 5, 3, राइट। सो इस तरह से इनका अरेंजमेंट रहता है बोन्स का। तो ये हमने बात की पेक्टोरल गर्डल और फोर लिम्स की। नाउ बात करते हैं पैल्विक गर्डल की, जो कि हिप रीजन में प्रेजेंट रहती है। उसका भी अपेंडिकुलर स्केलेटन में ही आता है, राइट नेमिंग। और उसमें भी स्ट्रक्चर्स हमें कैसे दिखते हैं हम देखते हैं। पेक्टोरल गर्डल की बात करते हैं तो उसमें भी 3 पार्ट्स में बोन्स जो होती हैं वो अरेंज्ड रहती हैं, राइट। 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर देते हैं उनकी बोन्स को। नाउ बात करते हैं पेक्टोरल गर्डल की, जिसे हम हिंदी में श्रोणी मेखला के नाम से जानते हैं। अब इस गर्डल से अटैच क्या होगा, हमारे जो नॉर्मल लेग्स हैं वो रीजन यहाँ पे इस गर्डल से अटैचमेंट शो करेंगे, राइट। सो स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि किस तरह से इनके स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं और 3 पार्ट्स में ये कैसे प्रेजेंट रहती है, ये भी हम पार्ट देखेंगे। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो देखने को मिलती है कि गर्डल्स जो हैं वो हमें डिफरेंट टाइप्स से यहाँ पर विजिबल रहती हैं, राइट। गर्डल का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, राइट।
सबसे पहले जब हम स्ट्रक्चर वाइज इसे ऑब्जर्व करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर हमें कुछ कुछ किसकी तरह दिखेगा, एक नॉर्मली अगर हम बात करें तो त्रिशूल नुमा आकृति में हमें इसका स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, राइट। और जब हम इस रीजन को कंसिडर करते हैं तो हमें और भी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें यहाँ पर दिखाई देंगी, राइट। अब हम इसी को त्रिशूल नुमा आकृति में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पे एक इस तरह का रीजन होगा और इस तरह से यहाँ पर अटैचमेंट, यहाँ पे एक इस तरह का रीजन होगा और यहाँ पे इस तरह से अटैचमेंट। अब हमने बोला कि इनका अटैचमेंट क्योंकि यहीं से ही है, यहाँ पे दो स्ट्रक्चर्स भी हमें ऑब्जर्व होंगे, राइट। राइट, सो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर अगर हमें देखने को मिलता है तो इसे हम नेम देते हैं पेक्टोरल गर्ड, ठीक है। ये वाला पार्ट जो है ये ईलियम है, ये वाला जो पार्ट है ये इश्चियम है, एंड ये वाला जो पार्ट है ये प्यूबिस रीजन है। यानी कि ये जब हम बात करेंगे पेक्टोरल गर्डल की तो ये थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है। फर्स्ट रीजन होता है ईलियम, सेकेंड इश्चियम एंड थर्ड रीजन होता है प्यूबिस। इन तीन रीजन से डिवाइड होता है। वहीं हम इससे पहले वाली गर्डल की जब बात करें तो वो फाइव रीजन से मिलकर बन रही थी, क्लाविकल, इंटरक्लाविकल, कोरेकॉइड, सुप्रा स्कैप्यूला एंड अगेन स्कैप्यूला, राइट। सो इस टाइप से स्ट्रक्चर है। अब क्योंकि हमने बोला रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो ऊपर की तरफ जा रहा है उसको हम नेम देते हैं ईलियम, राइट। बिल्कुल रॉड लाइक स्ट्रक्चर की तरह प्रेजेंट है और इसको हम बोलेंगे प्री एसिटाब्यूलर, क्योंकि एसिटाब्यूलम ये रीजन्स हैं जो यहाँ पर प्रेजेंट हैं, तो यहाँ से जो स्ट्रक्चर निकलेंगे दोनों साइड उसको हम बोलेंगे प्री एसिटाब्यूलर ईलियम स्ट्रक्चर है, राइट। क्योंकि एसिटाब्यूलर की जस्ट पहले की तरफ प्रेजेंट, राइट। ईलियम से ईशियम रीजन में आएंगे तो ये फ्लैट सरफेसेस हैं, राइट। ये कुछ भी नहीं है, एक फ्लैट सरफेसेस की तरह यहाँ पर प्रेजेंट हैं, तो इसको हम नेमिंग देंगे एसिटाब्यूलम। और एसिटाब्यूलम का अटैचमेंट होता है, ये कैविटी की तरह है, राइट। इसका अटैचमेंट होता है फीमर से, यानी कि लेग बोन दोनों तरफ जो प्रेजेंट है उनके जो हेड रीजन है वो यहाँ पर आकर जुड़ते हैं, यानी कि सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं इस रीजन की, तो इसे हम हाइपोइशियम रीजन बोलेंगे, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे इश्चियम रीजन के ऊपर वाला रीजन है ये थोड़ा सा, तो इसे हम हाइपो इश्चियम रीजन बोलेंगे। अब यहाँ पे बीच में क्योंकि ये दोनों इश्चियम कनेक्ट हो रहे हैं तो इनको हम बोलते हैं इश्चियो सिंपैट्रिक या सिंपैथेटिक रीजन, राइट। क्योंकि दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। इसी के साथ नीचे जाते हैं तो ये लिगामेंट रीजन है, राइट। और इश्चियम जो है फ्लैट सरफेस की तरह प्रेजेंट है, यहाँ पे एक कैविटी भी प्रेजेंट। बात करते हैं प्यूबिस रीजन की, तो यहाँ पर एपी प्यूबिस है, यानी कि दोनों प्यूबिस आकर यहाँ पर अटैच हो रहे हैं विद अ लिगामेंट की हेल्प से, ठीक है। और यहाँ पे हमें जो रीजन दिखता है, यहाँ पे भी हमें एक रीजन दिख रहा है, एक बाहर की तरफ आउटग्रोथ दिख रही है, इसको हम बोलते हैं प्री एसिटाब्यूलर
प्यूबिस रीजन या प्री प्यूबिस रीजन भी हम इसे बोल सकते हैं, क्योंकि प्यूबिस रीजन के आगे की तरफ एंटीरियर रीजन की तरफ ये प्रेजेंट है. सो इस टाइप से पेक्टोरल गर्डल प्रेजेंट होती है, राइट. अब हम पेक्टोरल गर्डल के बाद देखते हैं कि हैंड रीजन्स जो हैं, राइट, वो किस तरह से फॉर्म होते हैं, वो तो देख लिया हमने. अब हम देखेंगे लेग रीजन्स को, कि जो लेग है वो किस तरह से फॉर्मेशन शो करता है. अब लेग रीजन की बात करेंगे तो इसे हम हाइंड लेग बोलेंगे वैरिनस में, और हाइंड लेग भी अगेन थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड रहेगी, यानी कि फीमर प्लस टीबिया फिबुला प्लस फीट, यानी कि लेग फीट. अब फीमर की बात करते हैं, बोलते हैं लॉन्गेस्ट बोन है, ठीक है, लेग्स को स्टार्ट ही करती है. तो हेड रीजन देखते हैं इसका किस तरह से प्रेजेंट है. राइट, इस तरह से इनका स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, राइट. एक रीजन होता है ग्रेटर ट्रोकेंटर, एक होता है लेसर ट्रोकेंटर, यानी कि इसमें स्टार्टिंग जो है हेड रीजन में ट्रोकेंटर पार्ट से होती है. ये पूरा हेड रीजन है, सपोज इसे हेड बोलेंगे हम क्योंकि सबसे ऊपर की तरफ प्रेजेंट है. इसकी पूरी रीजन को हम शेफ्ट पार्ट बोलते हैं, और नीचे की तरफ कॉन्डाइल्स का अटैचमेंट होगा. नेम देते हैं इसको फीमर, लॉन्गेस्ट बोन, बीच में बोनी स्ट्रक्चर है, ऑसिफाइड है. दूसरी चीज़ मेन इनमें जो कैरेक्टर देखे जाते हैं लेसर ट्रोकेंटर एंड ग्रेटर ट्रोकेंटर के कैरेक्टर्स देखे जाते, यानी कि लेसर एंड ग्रेटर पार्ट में ये डिवाइडेड. नेक्स्ट बात करते हैं टीबिया फिबुला की, ठीक है. राइट, ये इस तरह से यहाँ पर टीबिया फिबुला स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहते हैं. ये टीबिया है, ये फिब्यूला है, राइट. इनमें भी इस तरह से रीजन्स प्रेजेंट होंगे. अब हेड रीजन कहाँ जाके अटैच होगा, एसिटाब्यूलम में. ये एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फीमर का हेड किस कैविटी में अटैच होता है, तो हम बोलेंगे एसिटाब्यूलम. और ह्यूमरस का हेड यानी कि हैंड रीजन की जो लॉन्गेस्ट बोन है उसका हेड कहाँ जाके अटैच होता है, ग्लीनॉइड कैविटी. नाउ फिब्यूला जो है वो काफ़ी पतली है, थिन बोन है, और टीबिया लंबी बोन है. दोनों बोन्स एक दूसरे से अटैच रहती हैं. अब इसी के साथ लेग फीड की बात करेंगे तो यहाँ पर हमें टार्सल्स प्लस मेटाटार्सल्स प्लस एक और स्ट्रक्चर जो दिखेगा वो है फिंगर्स, यानी कि टोज, ठीक है. देखते हैं स्ट्रक्चर किस तरह से प्रेजेंट है. राइट, इस तरह से अटैचमेंट्स होते हैं. टीबिया के नीचे जो प्रेजेंट होगी उसे हम बोलेंगे टीबिएल, फिबुला के नीचे फिबिएल, फिबेल, राइट. एंड बीच में जो प्रेजेंट होगी उसे हम बोलेंगे सेंट्रल, कि बीच की प्रेजेंट है बोन, ठीक है. एंड इंटरमीडिएट भी यहाँ पर प्रेजेंट होती है. एंड जब इनकी बात करते हैं टार्सल्स एंड मेटाटार्सल्स की, तो ये टार्सल्स हुए, ये मेटाटार्सल्स हुए जो नीचे की तरफ अरेंज्ड होंगे. अब मेटाटार्सल्स भी
फाइव होते हैं जो कि डिफरेंट लेयर्स में अरेंज रहते हैं। टासल्स भी फाइव होते हैं जो कि 3-2 के अरेंजमेंट से प्रेजेंट रह सकते, राइट। नाउ अब इन्हीं के नीचे फिंगर्स भी प्रेजेंट रहेंगी। अब फिंगर्स कैसे प्रेजेंट रहेंगी देख लेते हैं। टोज, राइट। सो इस तरह से इनका अरेंजमेंट होता है। ये ही हुई फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, राइट। सो इन दिस वे ये सारे अरेंज्ड रहते। नाउ बात करते हैं फीट की, तो ये होते हैं फेलेंजेस, राइट। और इसी के साथ इनके आगे की तरफ क्लॉज प्रेजेंट रहते हैं जिनमें नेल्स जो होते हैं, नखर जो होते हैं वो बहुत कि वेरिनस जो है वो वेरिनस की जो पकड़ क्षमता होती है, होल्ड करने की पावर होती है, होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, यानी कि ये बहुत अच्छे से अपनी पकड़ को मजबूत रखते हैं। अगेन हमने बोला कि हैंड में भी फाइव फिंगर्स थी, यहाँ पर भी फाइव फिंगर्स प्रेजेंट होंगी। फर्स्ट में टू बोन्स होंगी, फिंगर बोन्स जो होंगी। सेकेंड में थ्री बोन्स होंगी, थर्ड में फोर बोन्स होंगी, फिफ्थ में फाइव बोन्स, सॉरी फोर्थ में फाइव बोन्स होंगी, फिफ्थ में सिक्स बोन्स होंगी, राइट। सो इस तरह से अरेंजमेंट रहेगा। यानी कि जब हम फॉर्मूला वाइज इसे एक्सटेंड करते हैं तो हम बोलते हैं फीट की फिंगर्स का फॉर्मूला 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से रहता है। तो इससे हमें ये भी शो हो रहा है कि फाइव फिंगर्स है। इसी के साथ इनका बोन का अरेंजमेंट भी शो हो रहा है कि फर्स्ट में कैसी है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में किस तरह से बोन्स अरेंजमेंट शो करेंगे, राइट। तो ये हम हिंड लेग की यानी कि पीछे वाला जो लेग होता है उसकी रीजन्स की बात करते हैं और इस तरह से हम डिफाइन करते हैं कि कैसे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं, राइट। फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स जो कि अपेंडिकुलर रीजन में आते हैं। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग जो यहाँ पर देखने को मिलती है वो भी देख लेते हैं कि हमने बात की एक्सियल स्केलेटन की, राइट। एक्सियल स्केलेटन में हम स्कल रीजन की बात करते हैं एंड इसी के साथ वर्टिब्रल कॉलम की बात करते हैं। तो हमने ये देखा कि ये जो है ये तो एक्सियल स्केलेटन का वर्टिब्रल कॉलम है, राइट। ये पूरा वर्टिब्रल कॉलम है जिसमें बहुत सारे वर्टिब्राटे अरेंज्ड हैं। यहाँ पे पेल्विक गर्डल प्रेजेंट होगी और नीचे की तरफ, सॉरी यहाँ पर पेक्टोरल प्रेजेंट होगी और नीचे की तरफ पेल्विक गर्डल प्रेजेंट हो, ठीक है। इसी पेल्विक गर्डल से हैंड्स और लेग्स का अटैचमेंट होगा। जैसे सपोज हमने बात की कि ये लेग है तो फीमर, देन टीबिया फिबुला एंड देन वही स्ट्रक्चर्स ऐसे फाइव, राइट। सेम बात करते हैं यहाँ पे तो इस तरह से ह्यूमरस, क्योंकि हैंड है, देन टू डिफरेंट बोन्स यहाँ पर इस तरह से प्रेजेंट होंगी जिसे हम क्या बोल रहे थे, रेडियस अल्ना, एंड यहाँ से वही कार्पल्स एंड फाइव फिंगर्स,
वही कार्पल्स मेटाकार्पल्स एंड फाइव फिंगर्स, राइट। सो इस टाइप से अरेंजमेंट होगा। तो हमने इन बोन्स को तो एक्सियल बोन्स बोला, और इसके साथ जो स्कल रीजन अटैच था उसको भी, ठीक है, इसी के साथ रिब पार्ट को भी और स्टर्नम पार्ट को भी, वहीं इन गर्डल्स को और इनको हमने अपेंडिक्यूलर में रखा था। अब जब हम रिब की बात करते हैं तो रिब का स्ट्रक्चर जो हम देखते हैं, पहली बात तो उनको हम थोरेसिक रिब्स बोल सकते हैं क्योंकि वो थोरेसिक रीजन में, थोरेक्स पार्ट में प्रेजेंट रहते हैं। और जब हम उनका स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें उनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से देखने को मिलता है, राइट। कोई हेड रीजन एज सच हमें नहीं देखने को मिलता है, पर इस तरह से उनका अरेंजमेंट थोड़ी सी घूमी हुई, थोड़ी सी कर्व्ड रीजन में इस तरह से ये प्रेजेंट रहती हैं, तो हम उन्हें थोरासिक रिब्स यानी कि थोरेक्स रीजन में प्रेजेंट होने वाली रिब्स नेमिंग दे देते हैं, राइट। तो ये बात की हमने वैरिनस के कंप्लीट स्केलेटन सिस्टम की। और जहाँ तक रिब्स की बात है, स्टर्नम की बात है, तो ये स्टर्नम और रिब्स हमारे पेक्टोरल गर्डल में अटैच्ड ही रहते हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, आई वेलकम यू ऑल ऑन द MCIT डिजिटल प्लेटफॉर्म, राइट। आई एम टेकिंग BSc थर्ड ईयर जूलॉजी कॉर डेटा पेपर फर्स्ट बुक। नाउ एज इन द प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द वैरिनस, राइट। वैरिनस की हमने पूरे सिस्टम्स की स्टडी की थी एंड मॉडल ऑर्गेनिज्म रेप्टाइल्स का था। इन द सेम वे हम लेबियो की स्टडी करेंगे, फिश की स्टडी करेंगे। मॉडल ऑर्गेनिज्म है लेबियो, बट स्टडी हम कर रहे हैं फिशेस की, यानी कि पीसेस ग्रुप की, राइट। सो लेबियो की स्टडी करने से पहले हम बात करते हैं, हमने 20,000 के अप्रॉक्स स्पीशीज देखी हैं फिशेस की, राइट, ऑब्जर्व की हैं। और उन फिशेस में हमें डिफरेंट टाइप्स की फिश मिलेंगी, कोई बोनी फिशेस होंगी, कोई कार्टिलेजिनस फिशेस होंगी। सो इस बेसिस पर हमें डिफरेंट टाइप्स की फिशेस अवेलेबल रहेंगी। नाउ सेकेंडली, क्योंकि हम फिश की स्टडी करते हैं तो फिश की स्टडी को हम इक्थियोलॉजी बोलते हैं। इक्थियो मीन्स फिश एंड लॉजी मीन्स स्टडी। जैसे हमने ऑस्टियोलॉजी बोला था बोन्स की स्टडी, इन द सेम वे फिश की स्टडी अगर होती है तो उसे हम इक्थियोलॉजी टर्म देते हैं। एंड इक्थियोलॉजी के बेसिस पर एक पेपर भी कई यूनिवर्सिटीज़ में चलता है, राइट, फिशरीज को कैसे ग्रो किया जाता है इस बेसिस पर। नाउ जब हम लेबियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम इसकी सिस्टमैटिक पोजिशन की बात करते हैं, यानी कि ये कहाँ, किस रीजन में, कहाँ पर प्रेजेंट रहती है, राइट, सिस्टमैटिक पोजिशन। और इसी सिस्टमैटिक पोजिशन को हम क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हैं, राइट। क्लासिफिकेशन और सिस्टमैटिक पोजिशन दोनों चीज़ें एकदम सिमिलर हैं। सिस्टमैटिक पोजिशन का मतलब हुआ कि एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में हम इस स्पीशीज को कहाँ प्लेस करते हैं। एंड क्लासिफिकेशन का अगेन मीनिंग वही हो गया कि हम कैसे इसे क्लासिफाई करके एक जगह पर, एक पोजिशन पर प्लेस कर रहे हैं। सबसे पहले अगर बात करते हैं फाइलम की, तो क्योंकि कॉर्डेटा ग्रुप का है तो फाइलम इसका कॉर्डेटा होगा। सब फाइलम की बात करते हैं तो इसका सब फाइलम होता है वर्टिब्रेटा, राइट। डिवीजन की बात करते हैं तो इसका डिवीजन होता है नेथोस्टोमेटा। राइट, सुपर क्लास की बात करते हैं तो इसकी सुपर क्लास है पीसीज। क्लास की बात करते हैं तो इसकी क्लास है ऑस्टेक्थीज, राइट। सब क्लास की बात करते हैं तो इसकी सब क्लास है टिलियोस्ट। ऑर्डर की बात करते हैं
तो इसका ऑर्डर है सिप्रिनिफॉर्मिस, राइट। जीनस की बात करते हैं तो इसका जीनस है लेबियो, एंड स्पीशीज की बात करते हैं तो इसकी स्पीशीज है रोहिता। क्योंकि जीनस एंड स्पीशीज है तो मोस्ट प्रोबेबली हम जीनस एंड स्पीशीज दोनों को अंडरलाइंड करके रखते हैं, राइट। एज अ रिजल्ट अगर हम बोल रहे हैं फाइलम कॉर्डेटा है, दैट जस्ट मीन्स कि यहाँ पर कॉर्डेट के तीनों कैरेक्टर्स इनमें विजिबल होने चाहिए, यानी कि वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होना चाहिए, सेकेंडली एक्सटर्नल गिल्स प्रेजेंट होने चाहिए, एंड इसी के साथ थर्ड न्यूरल कैनाल जिसकी हम बात करते हैं, न्यूरल कैविटी भी प्रेजेंट होनी चाहिए, राइट। सो थ्री कैरेक्टर्स कॉर्डेटा के, यानी कि स्ट्रिंग कॉर्ड प्रेजेंट होनी चाहिए और ये थ्री कैरेक्टर्स होने चाहिए। बाकी और भी कैरेक्टर्स जो होते हैं वो स्पेसिफाई होते हैं ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। नाउ सब फाइलम वर्टिब्रेटा है, अगेन उसको हमने बाइफोकेट कर दिया, एंड सब फाइलम में हम यहाँ पर मोस्टली बात करेंगे कि इसमें वर्टिब्रल कॉलम तो प्रेजेंट होती ही होती है। नाउ डिवीजन नेथोस्टोमेटा का मीन्स होता है कि इनके जो जॉज हैं वो माउथ से अटैच्ड हैं, यानी कि जॉइंटेड हैं, राइट, हेड रीजन से। नाउ सुपर क्लास पीसेस है, पीसेस का हमें पता है विंग्स प्रेजेंट होते हैं, फिन्स प्रेजेंट होते हैं। ऑस्टेक्थीज का मतलब होता है, जब हम इस वर्ड को ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, तो ऑस्टेक का मतलब होता है बोन, एंड इक्थीज का होता है फिशेस, यानी कि ये जो फिशेस हैं ये बोनी फिशेस होती, राइट। फिर सब क्लास आती है टीलियोस्टी, देन ऑर्डर सेप्रिनिफॉर्मिस, एंड लास्टली जीनस एंड स्पीशीज लेबियो रोहिता। ऑस्टिक या ऑस्टियो हम बोलते हैं तो बोन्स से रिलेटेड ही बोलते हैं, तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि लेबियो मॉडल ऑर्गेनिज्म है किसका, बोनी फिश का, राइट। बोनी फिश का मॉडल ऑर्गेनिज्म लेबियो प्रेजेंट होता है, राइट। सिस्टमैटिक पोजिशन के बाद हम इनकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, यानी कि इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इनकी जो प्रेजेंस है वो कहाँ कहाँ होती है, राइट। नॉर्मली जब हम बात करते हैं अफ्रीका की, अफ्रीका में ये प्रेजेंट रहती हैं, एंड इसी के साथ ईस्ट इंडीज रीजन जो होता है वहाँ पर भी इनकी प्रेजेंस देखने को मिलती है। तो मोस्टली डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंगली हम ये बोलते हैं कि ये अफ्रीका एंड ईस्ट इंडीज़ की स्पीशीज़ है, इस रीजन्स में, इन रीजन्स में, इन पार्ट्स में ये प्रेजेंट रहती है, और इसी के साथ साथ इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी, बांग्लादेश में भी ये स्पीशीज़ मिल जाती है, राइट। तो डिस्ट्रीब्यूशन इतना ज़्यादा नहीं है, ऑल ओवर द वर्ल्ड नहीं है, बट हाँ इनका डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्व किया जाता है। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पीशीज़ की, डिफरेंट स्पीशीज़ डिस्ट्रीब्यूटेड हैं अलग अलग एरियाज़ में, और जब हम इंडिया की बात करते हैं या इंडियन स्पीशीज़ की बात करते हैं, राइट, तो इंडियन स्पीशीज़ में हम ऑब्जर्व करते हैं कि अराउंड 2 dozen तक स्पीशीज़ इंडिया में प्रेजेंट रहती हैं, राइट। 2 dozen का मीनिंग हुआ कि 24 स्पीशीज़ हमारे इंडिया में लेबियो की प्रेजेंट हैं, और जिनमें से कुछ स्पीशीज़ को हम बोल सकते हैं, एक है लेबियो रोहिता, राइट, जो ऑल ओवर इंडिया प्रेजेंट रह सकती है, एक है लेबियो कलबसु, राइट, ये हमारी प्रेजेंट होती है इंडिया में तो होती ही है, इसी के साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी, आसपास के रीजन्स में भी इसकी प्रेजेंस देखी जाती है, ऑब्जर्व की जाती। कलबसु इसको नॉर्मल लैंग्वेज में काला बांस भी बोलते हैं, काला बांस, राइट।
सो इस तरह से डिफरेंट स्पीशीज प्रेजेंट हैं हमारे इंडिया में लेबियों की, जो कि बोनी फिश को स्पेसिफाई करती हैं एंड बताती हैं कि बोनी फिशेस किस तरह से प्रेजेंट रहती हैं, राइट, एज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म बोनी फिशेस को शो करती है, राइट. इसके बाद हम बात करते हैं हैबिट एंड हैबिटेट, राइट, कि किस तरह से ये रहते हैं और इनका क्या सिस्टम होता है. बात करते हैं हैबिट एंड हैबिटेट. सबसे पहली बात तो हैबिट का मतलब है इनका बिहेवियर कैसा होता है. एंड जब हम हैबिटेट की बात करते हैं तो हैबिटेट का मतलब होता है कि ये कैसे एरिया में रह रहे हैं, राइट. सो इस तरह से इनका डिस्टिंग्विशन किया जाता है. ऑल राइट, अब हैबिट हमने बोला बिहेवियर है, राइट, और हैबिटेट इनका एरिया है जहाँ पर ये रह रहे हैं. तो नॉर्मली हम बोलते हैं, हमने डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा कि ये ईस्ट इंडीज़ में पाए जाते हैं, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान में पाए जाते हैं. इसी के साथ इनका एरिया होता है फ्रेश वाटर, यानी कि ये फ्रेश वाटर फिशेस हैं. बिल्कुल साफ पानी जो होगा, जहाँ पे मैराइन कंडीशंस कम होंगी, सॉल्ट कंसंट्रेशन कम होगी, वहाँ पर ये पाई जाएंगी. यानी कि पॉन्ड्स, रिवर्स, एस्चुरीज, इन सब रीजन्स में इनकी प्रेजेंस देखी जाती है, ये पाई जाती. हैबिटेट हो गया. कई बार देखते हैं हम फ्रेश वाटर में ही बॉटम में भी प्रेजेंट रहती है, तो कई बार हम इन्हें बॉटम ड्वेलर्स भी बोल देते हैं कि नीचे की तरफ रह रही है, राइट, सतह पर रह रही हैं, तो बॉटम ड्वेलर्स बोल सकते. बिहेवियर की बात करते हैं, या हम बोलते हैं हैबिट, कैसे हैबिट शो करते हैं, तो इसको हम बोल रहे हैं बॉटम ड्वेलर है. लेकिन कई बार सरफेस पर भी आ जाती है ऊपर, ठीक है. क्यों आती हैं? एयर लेने के लिए, रेस्पिरेशन करने के लिए, बाहर से एयर ले सकें, इसलिए ये कई बार सरफेस पर, ऊपर पानी पर भी इनका बिहेवियर देखा जाता. सेकेंडली बोलेंगे मेल्स एंड फीमेल्स की बात करते हैं, तो दोनों डिफरेंट होते हैं. और मोस्टली जो फूड इनटेक, यानी कि हम बोल सकते हैं डिफरेंट हैं मेल्स एंड फीमेल्स. ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ये एग लेइंग होते हैं, एग ले करते हैं, यानी कि ये ऑर्गेनिजम्स ओवीपैरस हैं, ठीक है, एग ले करेंगे, वीवीपैरस नहीं है. इसी के साथ जो डेवलपमेंट होता है और जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल होता है, राइट. दोनों अपने अपने डिपॉजिट कर देते हैं वाटर में, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखा जाता है बाहरी. एंड डेवलपमेंट भी किस टाइप का है? एक्सटर्नल ही है, बाहर की तरफ ही डेवलपमेंट होता है, राइट. सो इस तरह से हम बात करें इन जनरल ये होते हैं. फूड लेने के लिए नीचे बॉटम पे जाते हैं और छोटे छोटे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, एल्गी हैं, मॉलस्क होंगे, जो स्मॉल मॉलस्क्स हैं, राइट, डायटम्स हैं, उनको ये फीड इजीली कर सकते हैं. तो फूड हैबिटेट भी इनका इस तरह से होता है. लेकिन मोस्टली जब हम बात करते हैं इनके फूड हैबिटेट की, तो ये हर्बीवोरस होते हैं, राइट. यानी कि ये मोस्टली ग्रीन प्लांट्स को, एल्गी वगैरह, इनका एज अ फूड लेते हैं, राइट. तो ये बात थी हमारी हैबिट एंड हैबिटेट की. नाउ बात करते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की, यानी कि बाह्य संरचना जो है इनकी, वो किस तरह से प्रेजेंट रहती है. एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो सबसे पहले एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में आता है बॉडी कलर, राइट. सेकेंड बॉडी शेप, एंड थर्ड बॉडी साइज, राइट. सो इस तरह से ही एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स में हम
बोलते हैं, ये बॉडी की बात कर रहे हैं, बाहर से ये कैसे विजिबल रहते हैं ये हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स में पढ़ते हैं। सबसे पहले कलर की बात करते हैं, तो कलर में हम बोलते हैं वेंट्रल साइड्स में ये ब्लैकिश कलर के होते हैं, और जो बेली साइड है यानी कि बेली साइड में दोनों जगह पे ये सिल्वरी कलर के, राइट, सिल्वर कलर शो करते हैं, ऑरेंज कलर भी कुछ शो करते हैं, राइट। सो इस टाइप से इनकी कलरिंग होती है, यानी कि सिल्वर कलर, ब्राइट कलर ये शो करेंगे। बॉडी शेप की बात करते हैं, तो स्ट्रीमलाइंड हैं एंड अडैप्टेड हैं इजीली, किसके लिए, कि ये वाटर में माइग्रेशन कर सके, वाटर के लिए, एक्वाटिक कंडीशंस के लिए इनकी बॉडी अडैप्टेड है। और बॉडी शेप में स्ट्रीमलाइंड तो है ही, इसी के साथ विंग्स या हम बोल सकते हैं फिन्स जो हैं वो भी प्रेजेंट हैं, ताकि मूवमेंट में इजीली हेल्प कर सके, राइट। नाउ बॉडी साइज की बात करते हैं, तो अप टू हम बोलते हैं 1 मीटर तक इनके एडल्ट्स प्रेजेंट हो सकते हैं, तो मैक्सिमम हाइट 1 मीटर तक इनकी हो सकती है जिसको ये शो करते हैं। अब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में ही हम डिवीजन ऑफ बॉडी की भी बात करते हैं, यानी कि जो बॉडी है वो किस तरह से डिवाइडेड है। तो बॉडी का डिवीजन जब हम देखते हैं तो ये भी ऑब्जर्व करते हैं, और इसी डिवीजन ऑफ बॉडी को हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यानी कि हेड, ट्रंक एंड टेल रीजन, राइट। सो इस तरह से 3 पार्ट्स में हम इनकी बॉडी को डिवाइड कर सकते हैं। स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें और इजी होगा। राइट, राइट, इस तरह से रीजन प्रेजेंट है, इस तरह से आईज प्रेजेंट है, राइट, इस तरह से यहाँ पर फिन प्रेजेंट है, राइट, एक फिन यहाँ पर प्रेजेंट है, एक फिन यहां पर प्रेजेंट होगा, इस रीजन में एक फिन ऑब्जर्व किया जाएगा, राइट। इसी के साथ यहां पर हम देखेंगे एक फिन यहां पर भी प्रेजेंट रहेगा, इस तरह से फिन्स की पोजीशन बॉडी में होती है, राइट। ये रीजन हेड रीजन है, ये फिन्स हैं, और ये माउथ है, ये नॉस्ट्रल पार्ट है, ये आईज हैं। तो हमने बोला कि हेड रीजन जो है, ये हेड रीजन कहाँ से कहाँ तक होता है, माउथ से ये जो रीजन है ऊपर क्यूलम यहाँ तक होता है, ठीक है, यानी कि हेड रीजन प्रेजेंट है माउथ से ऊपर क्यूलम तक। और माउथ से ऊपर क्यूलम तक रीजन में क्या क्या प्रेजेंट होता है, सबसे पहले बात करेंगे माउथ की। तो माउथ कैसा होता है इनका, सब टर्मिनल, यानी कि बिल्कुल ही एंड पे नहीं है, एंड से थोड़ा सा पहले की तरफ प्रेजेंट है सब टर्मिनल। और माउथ सराउंडेड होता है लिप्स से,
यानी कि आसपास ऊपर और नीचे, अपर एंड नीचे दो लिप्स प्रेजेंट रहेंगे, राइट। माउथ के ही रीजन में ऊपर की तरफ आईज प्रेजेंट हैं, जो कि काफ़ी लार्ज आईज हैं, राइट। आईज भी प्रेजेंट होंगी, लार्ज हैं, और इनके आईज के बाहर कंप्लीट हम बोलते हैं आईलिड्स प्रेजेंट होती हैं, राइट। और कई बार इनमें निकटेटिंग मैम्ब्रेन्स भी प्रेजेंट रहती हैं, जो कि इन्हें प्रोटेक्ट करती हैं वाटर से, यानी कि वाटर की एंट्री को रोक कर रखती हैं, आईज में एंटर ना हो सके, और काफ़ी लार्ज आईज प्रेजेंट रहती हैं। इसी के साथ नीचे की तरफ देखेंगे तो नॉस्ट्रल रीजन भी प्रेजेंट रहता है, एंड माउथ पार्ट हेड रीजन में हम बोलते हैं स्नाउट है, राइट। स्नाउट है यानी कि आगे की तरफ से तो थोड़ा सा चौड़ा, राइट, ऊपर उठा हुआ है, और धीरे धीरे पीछे की तरफ नीचे जाता हुआ है, ठीक है। आगे का रीजन जो है वो रोस्ट्रम की तरह उठा हुआ है, पीछे धीरे धीरे इतना उठाव नहीं है, थोड़ा सा डिप्रेशन होता जाएगा, तो उस रीजन को हम स्नाउट कहेंगे, ठीक है। तो माउथ में इस तरह से रीजन्स प्रेजेंट है, और ये पूरा रीजन हेड रीजन कहलाएगा। ऊपर क्यूलम की अगर बात करते हैं तो ऊपर क्यूलम क्या होता है, एक हार्ड हम बोल सकते हैं मैम्ब्रेन टाइप स्ट्रक्चर है, जो कि क्या कर रहा है, इसके गिल्स को कवर करके रखता है। तो गिल कवरिंग हम बोल सकते हैं ऊपर क्यूलम है, यानी कि ये गिल्स को बाहर से कवर करके रखता, ठीक है। तो यहाँ तक बात करेंगे तो ये हेड रीजन कहलाएगा। अब नाउ बात करते हैं ट्रंक रीजन की, तो ये पूरा जो रीजन है बीच वाला, ये पूरा ट्रंक रीजन होता है, ठीक है। और ट्रंक रीजन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ऊपर क्यूलम से। इस पूरे ट्रंक रीजन पर हम डिफरेंट स्ट्रक्चर्स देखते हैं, राइट। उन स्ट्रक्चर्स को हम नेमिंग भी दे देते हैं, ट्रंक रीजन टेल और किसके बीच में है, ऊपर क्यूलम के बीच में है। सेकेंडली इस रीजन पे काफी सारे फिन्स प्रेजेंट रहते हैं, राइट। एंड फिन्स के साथ साथ हम जब बात करते हैं इस रीजन की, तो इस रीजन में स्केल्स भी प्रेजेंट रहते हैं। ये जो स्केल्स हम बना रहे हैं ये इसी रीजन के हैं, इस तरह से स्केल्स का अरेंजमेंट होता है। पूरी बॉडी पर, ठीक है, पूरा नहीं बना रही, यहाँ तक स्केल्स अरेंज रहेंगे। तो ये स्केल्स ट्रंक रीजन में प्रेजेंट हैं, एंड यहाँ पर फिन्स भी प्रेजेंट रहेंगे। ये वाला जो फिन है ये पेक्टोरल फिन है, राइट। इसके जस्ट नीचे वाला जो फिन है ये पैल्विक फिन है, यहाँ पर एक एनल फिन भी देखा जाएगा, राइट। ये मीडियन फिन है, और ये एंड में जो है ये कॉडल फिन कहलाता है, यानी कि बिल्कुल पूंछ वाले रीजन में प्रेजेंट है। अब बात कर रहे हैं हम ट्रंक रीजन की, तो ट्रंक रीजन में एक चीज़ जो हमने ऑब्जर्व की वो ये है, स्केल्स हैं, और ये स्केल्स साइक्लॉइड टाइप के होते हैं, यानी कि हमने बोला इनके अंदर जो स्केल्स हैं वो साइक्लॉइड टाइप के हैं, एक साथ अरेंज रहेंगे, राइट। और इसी के साथ इन स्केल्स के बीच में काउंटिंग के लिए, यानी कि इन स्केल्स के बेसिस पर हम एज काउंट भी कर सकते हैं, राइट। तो एज काउंटिंग के लिए ये स्केल्स यूज़ में किए जा सकते हैं। स्केल्स कैसे हैं, साइक्लॉइड टाइप के। इन स्केल्स में बीच रीजन में, बीच वाले रीजन में, पहली बात तो ये कि ये सारे स्केल्स एक दूसरे से एडजेसेंटली अरेंज रहेंगे, और इन रीजन्स के बीच में
फोकल सेंटर्स भी प्रेजेंट होंगे, यानी कि जो फोकस कर रहे हैं स्केल्स को बिल्कुल सेंटर में, और इनके थ्रू एज कैलकुलेट की जा सकती है। नाउ स्केल्स का अरेंजमेंट तो हमने देख लिया, इसी के साथ पेक्टोरल फिन है जो कि हम बोल सकते हैं ट्रंक रीजन का ही पार्ट है। फिन्स पेक्टोरल मीन्स थोरिक्स रीजन की तरफ प्रेजेंस है इनकी, इसलिए पेक्टोरल। पैल्विक मीन्स थोड़ा सा नीचे की तरफ अरेंजमेंट है इनका, तो पैल्विक फिन, राइट। इसी के साथ मीडियन फिन्स का भी अरेंजमेंट है। तो ट्रंक का कलर हमने बोला सिल्वरी कलर के होते हैं, और इस तरह से स्केल्स का अरेंजमेंट इन पे देखा जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर देखी जाती है वो ये है कि यहाँ पर लेटरल लाइन सिस्टम प्रेजेंट होता है, राइट। एक हम बोल सकते हैं ब्लैक कलर की लाइन है यहाँ पर, डार्क ब्लैक कलर की, जो कि लेटरल लाइन सिस्टम कहलाती है, और ये बैलेंस करने में हेल्प करती है बॉडी को। जैसे फिन्स होते हैं, फिन्स क्या करते हैं, मूवमेंट का हेल्प कर रहे हैं, कैसे वो वाटर में फ्लोट कर पा रही है, स्विम कर पा रही है, उसमें हेल्प कर रहे हैं। सेम लेटरल लाइन बैलेंसिंग के लिए हेल्पफुल होती है, बैलेंस करने में हेल्प करती है इन ऑर्गेनिजम्स। नाउ लास्टली बात करते हैं टेल रीजन की। टेल रीजन मूवमेंट शो करती है और इनके लोकोमोशन में इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है, राइट। मूवमेंट एंड लोकोमोशन, राइट। इसमें हम देखते हैं कि ये टेल भी मूवमेंट करेगी। अब कॉडल टेल है तो यहाँ पर जो अरेंजमेंट होता है उस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं होमोसर्कल टेल, यानी कि दोनों साइड से एकदम सेम है, सेम स्ट्रक्चर है, इसलिए हमने इसको नेम दिया है होमो। अगर हिट्रोसीरल होती तो हम बोलते कि उसका एक फिन थोड़ा सा छोटा है, एक लार्ज है। होमो है, दोनों इक्वली अरेंज हैं, सेम स्ट्रक्चर शो कर रहे हैं। होमो मीन्स होता है सेम, राइट। एंड टेल रीजन के ही पास में जहां पर एनल पोर्शन ओपन होता है वहां पर एक एनल फिन भी प्रेजेंट होती है, जहाँ पे एनल रीजन ओपन होता है उस रीजन में ये प्रेजेंट रहती है, तो एनल फिन कहलाती है। अब हम देखते हैं कि ट्रंक पार्ट में ही तीन ओपनिंग्स पाई जाती, राइट। तीन ओपनिंग्स हम देखते हैं ट्रंक रीजन में प्रेजेंट होती है, जिसे हम AGU बोल सकते हैं, यानी कि A मीन्स एनल, G means germinal opening and U means urinary opening। ये तीनों openings अलग अलग region में present रहती है, right? And इस तरह से इन openings का arrangement trunk region में present रहेगा। तो ये हमने बात की division of body की, कैसे किस तरह से body है जो इनकी वो divided है different regions में, और कैसे openings यहाँ पर प्रेजेंट हैं, गिल्स भी प्रेजेंट हैं, राइट। नाउ बात करते हैं इनके बॉडी वॉल की, यानी कि इनकी जो बॉडी वॉल है, बॉडी जो है इनकी, वो किस तरह से चीजों को शो करती है, राइट। बॉडी वॉल बॉडी वॉल को हम मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यानी कि बाहर वाली जो है रीजन उसे हम कहते हैं एपिडर्मिस, और इनर रीजन जो है, दूसरी जो है, उसे हम कहते हैं डर्मिस, राइट। अब हम ये बोल रहे हैं डर्मिस और एपिडर्मिस जो है, ये दोनों लेयर्स सेपरेटेड होती हैं एक मेजर लेयर के थ्रू। वो लेयर, वो मेजर लेयर बीच में इनके प्रेजेंट रहती है, एंड उस लेयर को हम नेम देते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, राइट। बेसमेंट मेम्ब्रेन एपिडर्मिस को डर्मिस से सेपरेट कर रही है यहाँ पर,
एपिडर्मिस की बात करेंगे तो इसके अंदर मल्टी लेयर्ड है, यानी कि बहुत सारी लेयर्स में ये प्रेजेंट है, बट यहाँ पर स्ट्रेटम सेल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट नहीं रहते, यानी कि स्ट्रेटम कोशिकाएं जो होती हैं उनकी प्रेजेंस यहाँ पर ऑब्जर्व नहीं की जाती है, लेकिन मल्टी लेयर्ड एपिडर्मिस प्रेजेंट है। वहीं डर्मिस की बात करते हैं तो डर्मिस भी अगेन थ्री डिफरेंट लेयर्स में डिफरेंशिएटेड रहती है, जैसे फर्स्ट होती है लैक्सम, कॉर्नियम लैक्सम, सेकेंड होती है कॉम्पैक्टम, एंड थर्ड होती है सिबेशियस, राइट। हम बोल रहे हैं स्ट्रेटम लैक्सम, स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम एंड सिबेशियस मेम्ब्रेन। स्ट्रेटम लैक्सम में ज़्यादा कुछ स्ट्रक्चर्स हमें ऑब्जर्व नहीं होते हैं, कॉम्पैक्टम में हमें बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यूज ऑब्जर्व होते हैं एक साथ, और जब सिबेशियस मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो सिबेशियस मेम्ब्रेन कुछ ऑयल सिक्रीशंस में हेल्प करते हैं और ऑयल ग्लैंड्स यहाँ पर प्रेजेंस होते हैं। एस लैक्सम में, स्ट्रेटम लैक्सम में हम कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स देखते हैं जो कलर प्रोवाइड करते हैं, जिन्हें हम क्रोमैटोफोर्स भी कह सकते हैं, राइट। सो इनके अंदर क्रोमैटोफोर्स भी प्रेजेंट होते हैं और इरिडोसाइट्स जो होते हैं वो भी इनके अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं, यानी कि कलर प्रोवाइडिंग जो हैं वो टू टाइप के सेल्स हैं, एक क्रोमैटोफोर्स एक इरिडोसाइट्स। सेम एपिडर्मिस रीजन में भी हम बोल रहे हैं स्केल्स यहाँ से डेवलप हो रहे हैं, राइट। स्केल्स यहाँ से डेवलप होते हैं और इसी के साथ यहाँ पर भी क्रोमैटोफोर्स प्रेजेंट होते हैं, राइट, जो कि कलर प्रोवाइड करते हैं। अब क्रोमैटोफोर्स की जब भी हम बात करते हैं तो ये, क्योंकि हमने बोला कलर प्रोवाइडिंग है, तो यहाँ पर मेलेनोसाइट्स प्रेजेंट रहेंगे। इन जनरल बोल रही हूँ, एपिडर्मिस में भी ये प्रेजेंट हो सकते हैं, मेलेनोसाइट्स प्रेजेंट रहेंगे, यानी कि ये मेलेनिन सिक्रीशन करेंगे और ब्लैक कलर प्रोवाइड करेंगे। इसी के साथ ऑरेंज, येलो, रेड, वाइट, ये कलर्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं, इनके बेसिस पर फिश को कलर मिल सकता है, राइट। ये तो हमने बात की दो कलर प्रोवाइडिंग, ठीक है, एंड सेबेशियस मेम्ब्रेन्स ऑयल का सिक्रीशन करती। इसी के साथ जो डर्मिस लेयर है उसमें हम और भी जो ऑब्जर्वेशंस देखते हैं वो हैं नर्व्स प्रेजेंट रहेंगी, राइट। यहाँ पर आके ब्लड वेसल्स ओपन होंगी, ब्लड वेसल्स के साथ साथ हम देखते हैं यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यूज भी प्रेजेंट रहेंगे, संयोजी ऊतक, एंड कनेक्टिव टिश्यूज के साथ साथ मसल्स की भी प्रेजेंस यहाँ पर ऑब्जर्व की जाए। कुछ हम देखेंगे कोलेजन फाइबर्स भी यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे, सो इस टाइप से ये डिवाइडेड होती। बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या कर रही है, जस्ट सेपरेट कर रही है, इन दोनों के बीच में प्रेजेंट है। एंड एपिडर्मिस की बात की हमने, स्केल्स प्रेजेंट होंगे, क्रोमैटोफोर्स प्रेजेंट होंगे कलर प्रोवाइडिंग, प्लस ये मल्टी लेयर्ड होगी। तो जब हम स्ट्रक्चर वाइज इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, जो कि एपिडर्मिस है, बाहर है, क्रोमेटोफोर्स की प्रेजेंस देखी जाएगी, मल्टी लेयर्ड है, और फाइबर्स का अरेंजमेंट भी, कुछ तंतुओं का अरेंजमेंट भी यहाँ पर देखा जाएगा। तो ये क्रोमेटोफोर्स, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है जो कि इसे सेपरेट कर रही है, इसे हमने बोल दिया बेसमेंट, ये हो गई एपिडर्मिस, ये हो गई नीचे की तरफ डर्मिस। इसको हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर देते, ठीक है। नर्व सेल्स भी प्रेजेंट हैं, क्रोमैटोफोर्स भी प्रेजेंट हैं, मसल्स,
भी प्रेजेंट हैं, लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट हो सकती हैं। तो यहाँ पे नर्व्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, ऑयल ग्लैंड्स होंगे, क्रोमैटोफोर्स हैं, राइट। तो ये पूरा रीजन डर्मिस रीजन है, जहाँ पर कनेक्टिव टिश्यूज भी प्रेजेंट हैं, मसल्स भी प्रेजेंट। सो इन तीनों रीजन्स को हम बोल सकते हैं इकोस्ट्रेटियम लैक्सम, इकोस्ट्रेटियम कॉम्पैक्टम, जो कि काफ़ी कॉम्पैक्ट होगी, इसलिए हमने इसको नाम दिया है कॉम्पैक्टम। यानी कि यहाँ पे सेल्स एक साथ बहुत कॉम्पैक्शन के साथ अरेंज्ड होंगे। एंड लास्ट है सीबेशियस मेम्ब्रेन, राइट। सो इस तरह से हमारी लेबियो की बॉडी वॉल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता। नाउ बॉडी वॉल के बाद हम देखते हैं इनका स्केलेटन सिस्टम। नॉर्मली डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में हमने देखा कि मोस्ट प्रोबेबली स्केलेटन सिस्टम एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, लेकिन इनके अंदर हम दोनों टाइप के स्केलेटन सिस्टम देखते हैं, एंडो भी एंड एक्सो भी। सो लेबियो में दो टाइप के स्केलेटन सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, फर्स्ट इज एंडोस्केलेटन एंड सेकंड इज एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन का मतलब हुआ कि वो स्केलेटन सिस्टम जो कि फिश के बाहर आउटर सरफेस पर प्रेजेंट हैं, एंड एंडोस्केलेटन मतलब जो इनर साइड में अंदर बॉडी में सेंट्रल एक्सिस बनाते हुए प्रेजेंट हैं। अब क्योंकि लेबियो ऑस्टेक्थीज में आती है, बोनी फिशेस हैं, तो इनमें एंडोस्केलेटन में बोन्स प्रेजेंट होंगी, राइट। एंड एक्सोस्केलेटन को देखते हैं, तो एक्सोस्केलेटन में हम ऑब्जर्व करेंगे कि बाहर की तरफ प्रेजेंट है, स्किन के आउटसाइड प्रेजेंट है। तो सबसे पहली चीज तो यहाँ पर स्केल्स की प्रेजेंस है, एंड स्केल्स भी कैसे होंगे, साइक्लॉइड टाइप के। साइक्लॉइड स्केल्स का जब आप अरेंजमेंट देखते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे सेल्स एक साथ कॉम्पैक्ट के वे में अरेंज रहते हैं एक दूसरे के साथ, और उन्हें हम कैनेलिक्यूलाए बोलते हैं, राइट। और इन स्केल्स के बेसिस पर हम एज भी कैलकुलेट कर सकते हैं इन स्पीशीज। जो मिडल में स्केल्स प्रेजेंट रहेंगे उनको हम मीडियन स्केल्स बोलते हैं, एंड सेंटर की तरफ फोकल प्रेजेंट होता है या फोकस प्रेजेंट होता है, राइट। उस फोकस के थ्रू स्केल्स का डेवलपमेंट हम देखते हैं कि किस तरह से पूरी बॉडी को स्केल्स कवर करते हुए प्रेजेंट रहते हैं। स्केल्स मोस्टली हम ट्रंक रीजन में ही देखेंगे, यानी कि धड़ वाले भाग में ही हम स्केल्स को ऑब्जर्व करते हैं, राइट। सो इस तरह से स्केल्स प्रेजेंट हैं, कौन से टाइप के हैं, साइक्लॉइड टाइप के स्केल्स हैं, एज को एस्टिमेट करने में हेल्प करते हैं, राइट। और इनके स्ट्रक्चर्स बहुत पास पास अरेंज रहते हैं सेल्स, राइट। ये स्केल्स इनको रफ सरफेस भी प्रोवाइड कराते, राइट। और फिन्स पे ऐसा स्केल्स का कोई डेवलपमेंट ऑब्जर्व नहीं किया जाता। नाउ स्केल्स के साथ साथ, क्योंकि हमने फिन्स देखे हैं, तो फिन्स में फिन रेज, या हम बोल सकते हैं फिन रे बॉक्सेस प्रेजेंट रहते हैं। ये भी क्या है, एक्सोस्केलेटन है, राइट। बाहर की तरफ है, और फिन्स को, इनके जितने भी विंग्स हैं, फिन्स हैं, उनको सपोर्ट करता है। तो उसको सपोर्ट करने के लिए जो स्केलेटन सिस्टम है उनको हम नेम देते हैं फिन रे बॉक्सेस या फिन रेज, यानी कि इन रेज के थ्रू फिन्स का डेवलपमेंट होता है। तो बोनी वे में ये इस तरह से प्रेजेंट रहते हैं, और यहाँ से फिर फिन्स ईजिली डेवलप हो सकते हैं। सो ये एक्सोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन हम लेटर ऑन उसे कंडक्ट करेंगे। नाउ अब हम देखते हैं लेबियो का यूरोजेनाइटल सिस्टम, राइट। यूरोजेनाइटल सिस्टम को ऑब्जर्व करते हैं।
बात करते हैं यूरोजेनाइटल सिस्टम की, तो हम मोस्ट प्रोबेबली इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम देख रहे हैं, राइट? बट हमने बोला यूरोजेनाइटल, दैट मींस इसका कॉम्बिनेशन है एक्सक्रीटरी सिस्टम का किसके साथ, जेनाइटल ऑर्गन्स के साथ, यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के साथ ये कनेक्टेड रहते हैं, इसलिए हमने इन्हें नेम दिया यूरोजेनाइटल सिस्टम। फर्स्टली एक्सक्रीटरी सिस्टम क्योंकि इनके साथ अटैच है इसलिए यूरोजेनाइटल। मेल्स एंड फीमेल्स में यूरोजेनाइटल सिस्टम सेम रहेगा, बस यहाँ रिप्रोडक्टिव सिस्टम में चेंजेस आ जाएंगे, बाकी एक्सक्रीटरी सिस्टम इन दोनों का ही हमें सेम विजिबल होता है। नाउ क्योंकि एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा और कैसे ऑर्गेनिजम्स होंगे। पहली बात, ये फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, तो ये अमोनोटेलिक हैं, यानी कि एज अ रिजल्ट ये जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस या नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर रिमूव करते हैं वो अमोनिया को रिमूव करते हैं, इसलिए हम इन्हें अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स नेम देते हैं, राइट? हमने इन्हें बोला अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स, यानी कि ये अमोनिया को वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में बाहर की तरफ रिलीज कर रहे हैं, तो हमने बोला वेस्ट प्रोडक्ट या नाइट्रोजनस सब्सटेंस अमोनिया। नाउ इसी के साथ देखते हैं कि इनमें किडनीज प्रेजेंट रहती हैं, एंड किडनीज जो हैं, चलो पहले देख लेते हैं, किडनीज प्रेजेंट हैं, यूरेटर प्रेजेंट हैं, एंड में जाके यूरिनरी डक्ट प्रेजेंट होगी, और प्लस यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर भी दिखेगा और बाहर ओपनिंग ऑब्जर्व होगी। सो इस तरह से स्ट्रक्चर वाइज ये अरेंज्ड रहे, राइट? इनका डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। किडनीज की बात करते हैं तो चलो पहले रिप्रेजेंटेशन, कुछ ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर्स ऑब्जर्व होते, राइट? एंड इन्हीं के यहाँ पे पास में अटैच होते हैं मेल या फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स, जिसे हम नेमिंग देंगे। यहाँ पे मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो सकता है, राइट? ये किडनीज का अरेंजमेंट होता है, एंड यहां पे आके इस तरह से स्ट्रक्चर्स देखे जाते हैं। जब किडनीज की बात करेंगे तो किडनीज ब्राउन कलर्ड हैं। सेकेंडली ये रीनल नहीं होती, नॉन रीनल टाइप की होती हैं, एंड नॉन रीनल के साथ साथ इनकी पोजीशन काफ़ी टॉप पर प्रेजेंट है, टू इन नंबर हैं। जो इनका ओरिजिन है वो मीजोनेफ्रिक टाइप का है, यानी कि मीजोनेफ्रिक किडनीज प्रेजेंट हैं, राइट? ओरिजिन में ये मीजोनेफ्रिक टाइप की। सेकेंडली क्योंकि इनकी पोजीशन काफ़ी अपवर्ड में है तो हम इन्हें ऑब्जर्व करते हैं, तो हम इस तरह से ऑब्जर्व करते हैं। नाउ ये जो रीजन है ये
प्रो रीजन कहलाता है, यानी कि आगे की तरफ प्रेजेंट है, और ये किडनी का ट्रंक रीजन कहलाता है, राइट। हेड रीजन यानी कि हम बोल सकते हैं कि रीनल हेड, और यहाँ पर बीच में ट्रंक रीजन। सो इस तरह से किडनीज अरेंज होंगी, राइट। कैसी होंगी? सर्कुलर। नाउ सेकेंडली, जब हम बात करते हैं तो इन्हीं किडनीज से नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में यूरेटर्स निकलते हैं, राइट। हम बोल रहे नेटवर्क के फॉर्म में, जाल रूपी संरचना में यूरेटर्स यहाँ से पास होते हैं, तो इन्हें हम यूरेटर्स कहेंगे, राइट। पूरी किडनीज को कनेक्टेड हैं ये, और हम देख रहे हैं किस तरह से नेटवर्क लाइक संरचना स्ट्रक्चर देते हुए ये कनेक्टेड होके आगे ओपन होते हैं कंबाइंडली यूरिनरी डक्ट में, राइट। एक प्रॉपर यूरिनरी डक्ट होगी, उसके अंदर इनकी ओपनिंग होती है। ये यूरिनरी डक्ट जो होती है ये मीडियन होती है, बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट है, राइट। एंड ये डक्ट आगे होके आगे जाके यूरिनरी ब्लैडर में ओपन हो जाती है। यूरिनरी ब्लैडर एज सच हमें जैसे फ्रॉग्स में या डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में हम देखते हैं, वैसी स्ट्रक्चर हमें ऑब्जर्व नहीं होती। यूरिनरी ब्लैडर की जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ पे ये है कि थोड़ा सा नीचे हुए जाते हुए क्या देखते हैं हम, एक कॉन्स्ट्रिक्शन टाइप देखते हैं, एक ब्लैडर फॉर्म में एक स्ट्रक्चर देखते हैं जो कि नीचे जाते जाते कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाता है, थोड़ा छोटा हो जाता है, थिन हो जाता है, राइट। और इसी स्ट्रक्चर को हम ब्लैडर नेमिंग देते हैं। यूरिनरी ब्लैडर इसलिए कि यहाँ पर जितना भी वेस्ट मटेरियल है जो कि यहाँ पर हम देखेंगे लिक्विड फॉर्म में होगा, वाटर के ऑर्गेनिजम्स हैं, वाटर बाहर भी रिलीज कर देंगे, तो एज सच इनको कोई लॉस नहीं है क्योंकि ये ऑलमोस्ट वाटर में प्रेजेंट हैं। तो यूरिनरी ब्लैडर में ये अपना वेस्ट मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड के फॉर्म में, जिसमें अमोनिया डिजॉल्व्ड रहती है, राइट, अमोनोटेलिक है, अमोनिया डिजॉल्व्ड रहती है, वो इसके अंदर यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर करके रखेंगे। और यहाँ पर एक अपर्चर होगा जिसे हम यूरिनरी अपर्चर बोलते हैं, वहाँ उसके थ्रू बाहर की तरफ वेस्ट मटेरियल रिलीज कर दिया जाता। नाउ सेकेंड थिंग, किडनीज़ की जो पोजीशन है, या हम बोल सकते हैं इस सिस्टम की जो पोजीशन है, कहाँ है, एब्डोमिन रीजन की तरफ इसकी पोजीशन है, और वर्टीब्रल कॉलम जो होगा इनका, वर्टीब्रल कॉलम कशेरुक दंड, उसके जस्ट नीचे हम बोल सकते हैं लोअर साइड पर ये अरेंज्ड रहते हैं, यानी कि वर्टिब्रल कॉलम के नीचे एब्डोमेन में और दोनों साइड में दो किडनीज इस तरह से प्रेजेंट रहेंगी, राइट। दोनों साइड नहीं बोल रहे, दो किडनीज यहाँ पर प्रेजेंट आएगा। जितने भी मेटाबॉलिज्म सिस्टम हो रहे हैं, ब्रीदिंग हो रही है, राइट, वहाँ से प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन ब्रेक डाउन होता है, प्रोटीन ब्रेक डाउन होता है तो नाइट्रोजन भी लाता है, कुछ हाइड्रोजन्स भी लाता है, राइट, एज अ वे स्टोर करके रखता है। और फिर ये सारे जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे जो यूज़ नहीं आ रहे होंगे, वो एज अ वेस्ट मटेरियल, एज अ वेस्ट प्रोडक्ट अमोनिया के फॉर्म में बाहर की तरफ रिलीज हो जाए, राइट। सो अमोनिया के फॉर्म में अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स हैं, इसलिए इनका रिलीज ये है। किडनीज जो हैं वो मीजोनेफ्रिक टाइप की हैं, इसलिए हम इनका अरेंजमेंट यहाँ इस तरह से देखते हैं। अब जब हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे, राइट, नेक्स्ट जब हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे तो उसमें हम ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पर टेस्टीज होगी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, उसे हम मेल यूरिनोजेनाइटल सिस्टम कह देंगे, और जहाँ पर ओवरीज होंगी उसे हम फीमेल यूरिनोजेनाइटल सिस्टम बोल देंगे। तो हमेशा रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब भी हम ऑब्जर्व करेंगे इन ऑर्गेनिजम्स में, तो हम यूरोजेनाइटल के साथ ही बनाएंगे, राइट, यानी कि ये दोनों अटैच्ड हैं, ओपनिंग्स अलग अलग हो सकती हैं लेकिन दोनों को हम एक साथ ही बनाते हैं। सो एज अ वे हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम को नेक्स्ट क्लास में लेंगे कि किस तरह से मेल्स एंड फीमेल्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट है, और कैसे फीमेल्स अपना एग रिलीज करके ओविपेरस स्ट्रक्चर को शो करती हैं, एग रिलीजिंग, एग लेइंग ऑर्गेनिजम्स को एज अ रिजल्ट शो करती।
राइट एंड कैसे डेवलपमेंट एक्सटर्नल हो रहा है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो, राइट इस तरह से हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम को नेक्स्ट क्लास में कंडक्ट करेंगे.